दोस्तों हमारे दर्शन हो गए बाबा बर्फानी के, और बाबा बर्फानी के आपको दर्शन वगैरह कराए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से बालटाल के लिए निकलेंगे दोस्तों। तो हम लोग 16 किलोमीटर की यात्रा पैदल करेंगे बालटाल की। तो इस टाइम हो रहा है 6:30 बजे का टाइम। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो जो यात्री दर्शन करने के बाद वापस जाने दे रहे हैं, तो बालटाल हम लोग रुकेंगे। बालटाल से जम्मू के लिए कल निकलेंगे दोस्तों। जय बोलेगी दोस्तों। महादेव जय बोलेगी दोस्तों। हम लोगों को भैया मिले एक। आप कहाँ से भैया? मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा, नाम क्या भैया अपना? अब्दुल हक। अच्छा अच्छा, भैया से काफी अच्छा लगा मिलके। और एक ये भैया, क्या नाम है अपने भैया? और भैया का नाम क्या है? जय बोले नाम क्या अपना? अच्छा, भैया से काफी मिलके अच्छा लगा। जय बोलेगी। हरियाली क्या यार, बोले दिल खुश कर दिया ऐसी जगह लाके। जय बोलेगी दोस्तों। हम लोगों ने बालटाल का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा हार्ड है लेकिन तभी करेंगे हम लोग बालटाल का ट्रैक करते। हाँ, जय बोले। बोले कहाँ से आए अपन? जय बोले प्रयागराज से। क्या बात है बोले। नाम क्या है बोले अपना? निर्भय पंडित। क्या बात है बोले। जय बोले। बोले यात्रा बहुत हार्ड है, चढ़ा थोड़ी। हम लोग आपको काली टॉप दिखाएंगे, काली माता मंदिर जो बालटाल के रास्ते में पड़ता है। जय बोले। काली टॉप पानी दोस्तों, हम लोग काली टॉप पहुंचने वाले हैं। आपको काली टॉप दिखाते हैं। थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा लंबा चढ़ाई है, देखिए तब भी हम लोग करेंगे। काली टॉप पे हम लोग रुकेंगे 2 सेकंड, उसके बाद कंटिन्यू यात्रा करेंगे। जय बोले। आराम से चलने का। जय माता रानी, सबकी मनोकामना पूरी करे। जय बोले। गाइस फाइनली हम लोग काली टॉप मंदिर पहुंच गए। ये काली माता मंदिर है दोस्तों, जिससे काली टॉप बोलते जो बालटाल के रूट में पड़ता है रास्ते में दोस्तों। और आपको दर्शन वगैरह करा रहे काली टॉप के दोस्तों। जय माता दी। हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए है। नहीं, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर तो तुम्हारे साथ तो कोटा वाले। जय बोले दोस्तों। हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, चारों तरफ लाइट वगैरह की काफी सुविधा है, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, रास्ता ज्यादा खराब है।
कहीं भी पत्थर गिर सकते हैं। तो लोगों थोड़ा हम लोग जय बोले दोस्तों, हमारे एक भैया मिले हैं जो काफी यात्रा में बता रहे हैं साइड से चलने के लिए। जय बोले अंधेरा काफी हो गया है, हम लोगों को देख के चढ़ाई करनी पड़ रही है। और आराम से दर्शन करेंगे, काफी अंधेरा है। ये बोले दोस्तों, एक भैया मिले हैं। आप कहाँ से भैया? हम मुंबई से हैं। अच्छा अच्छा। हमारा 7 लोगों का ग्रुप है। अच्छा। जो 2 दिन से यहाँ है। अच्छा। हम लोग का जर्नी हम लोग सुबह 4 बजे स्टार्ट किया और अभी दर्शन करके हम लोग सब नीचे बालटाल को जा रहे हैं। बालटाल से यात्रा करी थी आपने? हाँ, बालटाल से यात्रा। क्या बात है बोले, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और आपका नाम क्या है बोले? मेरा नाम रमेश है। अच्छा। हम मुंबई से सब लोग। अच्छा अच्छा। हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए थे। अच्छा। सुबह 4 बजे से बालटाल से हमने वॉकिंग हमने पूरी यात्रा कंप्लीट की दर्शन से। अच्छा। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं वही रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन लेके। जय बाबा। यात्रा कैसी लगी आपको? यात्रा बहुत अच्छा रहा। अच्छा। मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया। अच्छा। बाबा ने सर सब कुछ अच्छा किया, क्योंकि पिछले जो 3-4 दिन से जो बारिश गिर रही थी, और वो बारिश गिरने से क्या हो रहा था कि बालटाल रूट से आने जाने के लिए बहुत सारा तकलीफ हो रहा था, और बहुत सारा लोगों को मीन्स ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं था बारिश में। तो आज श्रावण सोमवार के दिन, मंडे के दिन, आज सबको आनंदी एटमॉस्फेयर में सबको दर्शन मिल गया। बोले आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। जय बोले की। आराम से चलना बोले, ठीक है, साइड से आ जाओ। जय बोले कि दोस्तों, अभी यात्रा रोक दी गई है, आगे जेसीबी से काम चल रहा है ट्रैक पे, तो थोड़ा देर के लिए रास्ता रोक दिया गया है बालटाल के लिए। दोस्तों हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं, यात्रा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे जाने के लिए। दोस्तों जय बोले कि दोस्तों, यात्रा दोबारा से स्टार्ट हो गई हमारी, क्योंकि यात्रा इसलिए बंद कर दी गई थी, एम्बुलेंस आई थी ऊपर, क्योंकि किसी बंदे की तबीयत खराब हो गई थी, तो साइंस बोर्ड से एम्बुलेंस पहुंची ऊपर, इसलिए हम लोगों को यात्रा रुक दी गई थी। 1 घंटा यात्रा रुक दी थी, इसलिए हम लोग फिर से यात्रा चालू कर दी है बालटाल के लिए। दोस्तों अंधेरा काफ़ी है तो वीडियो अच्छा नहीं आ रहा, इसलिए हम लोगों ने जान लाइट है उधर का वीडियो बना रहे हैं। चलते हैं दोस्तों। जय बोले कि, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों टाइम हो रहा है 11:30, हम लोग थोड़ा भंडारे में रुक गए थे कुछ खाने के लिए, भूख लग रही थी तो हम लोगों ने दाल चावल टाइप के खा लिए, फिर से दोबारा यात्रा चालू कर दी है। हम पहुँचेंगे पहले बेस कैंप में टेंट वगैरह लेंगे, तो फिर से अब लोग हम पहुंच गए बालटाल के बेस चेक पोस्ट पर, तो हम लोग चेक पोस्ट पार करेंगे और आपको दिखाते हैं चेक पोस्ट बालटाल का। यहाँ से सुबह 4 बजे यात्री छोड़ते हैं, और जो यात्री 4 बजे यहाँ पे यात्रा छोड़ देते हैं, तो हम लोग आ रही दोनों बाबा की यात्रा पूरी। जय बोले कि दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं बालटाल बेस कैंप में और हमारी यात्रा पूरी हो गई है। दोस्तों यहाँ से 3 बजे बस जाती है, तो टाइम हो रहा है इस टाइम 1 बज रहा है, तो हम लोग जब तक
तीन बजे दो घंटे का वेट करेंगे। इस टाइम फिर हमें कोई मतलब ही नहीं है कैंप लेने का, तो हम लोग वेट करेंगे जब तक काफ़ी भंडारे वगैरह चल रहे हैं। अब टेंट क्या करेंगे, तीन तो बज गई, एक घंटा और काटेंगे। जय बोले। निकालते हुए भंडारे के अचार, फ्लाइट से कहाँ आया है? जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर करेक्ट, श्रीनगर ही जाओगा जिस नाल दो तीन लोगों का। दोस्तों हमने टिकट वगैरह ले लिए, जो टिकट हमें पड़ा 645 रुपये का टिकट पड़ा है दोस्तों। हम जाके बस में बैठेंगे और हमारे जो बस नंबर है P18 नंबर की बस है, तो हम लोग जाके बस में बैठेंगे। चलो दोस्तों चलते हैं बस के अंदर और जानकारी वगैरह आपको देंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा जो खर्चा बैठा दोस्तों, हम अमरनाथ यात्रा में टोटल हमारा जो खर्चा बैठा 3000 रुपये दोस्तों। 3000 रुपये में आप पूरी आप यात्रा आराम से कर सकते हैं दोस्तों। आप जैसे बस से ट्रेवल करोगे तो आपको कम खर्चा आएगा, और टेंट वगैरह में रुकोगे तो कम और कम खर्चा हो जाएगा दोस्तों। बस खाने का कोई खर्चा नहीं है दोस्तों, काफ़ी भंडारे वगैरह चलते हैं दोस्तों। आप भंडारे में स्टे वगैरह भी कर सकते हो, जैसे आप बात का अकेले हो तो स्टे वगैरह भंडारे में भी कर सकते हो दोस्तों। हम लोगों को खर्चा बैठा है 3000 रुपये खर्चा बैठा टोटल, तो आप दर्शन करके आराम से आप जम्मू पहुंच सकते हो दोस्तों। जय बाबा बर्फानी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय बाबा बर्फानी।